हेडलाइन्स र प्रायोजक बिकज प्रेशियस मोमेंट्स अ प्राइसलेस किमजी ज्वेलर्स सिंस 1936 गारु बाहरु चंती क्रीडाबीत नवरंगपुर जिला उमरकोट बिजू पटनायक स्टेडियम रे मागणारे मिलुची तालीम चर्चारे दुई क्रीडा शिक्षक मेडल पाई जिला पाई सुनाम आणुचंती छात्र छात्री खाइबा व्यवस्था नथिबा कहले अंतेवासी ढेकानाल रे बढ़ी सर्पाघात मृत्यु संख्या पांच वर्ष रे गलाडी 175 जीवन स्वास्थ्य केन्द्र रे नाही स्नेक एंटीवेनम इंजेक्शन विभाग अवहेला को दायी कले बुद्धिजीवी जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी कहले राति रे बंद थिबारु फेरी जाउछंती लोके देवदूत साजिले भारतीय तटरक्षी बाहिनी समुद्रर अथल जलराशिरु बंचीगला 11 जीवन सागर द्वीपरे हठात अचल होइतिला जहाज दीर्घ परिश्रम परे करागला उद्धार समस्तंकु अणागला पारादीप जहाजरे थिले 14 भारतीय राशन रे भूत हिताधिकारी काटिबाकु हेउछि ई केवाईसी संजोग व्यवस्था किंतु मासे समय सीमा कु नै गृहरे उद्वेग प्रकाश कले विरोधी स्पष्ट कले सरकार कहिले ई केवाईसी बाध्यतामूलक नाही डेडलाइन बंगोपसागर सृष्टि लघुचाप आसंका नेब लघुचापर रूप प्रभाव में काली एठ 31 जाए प्रबल वर्षा संभावना 24 घंटा पर 11 जिला को येलो वार्निंग दक्षिण उत्तर उपकूल जिले में प्रबल वर्षा नहीं अलर्ट हेडलाइंस रो प्रायोजक बिकॉज़ प्रेशियस मोमेंट्स आर प्राइसलेस किमजी ज्वेलर्स सिंस 1936 नमस्कार बुलेटिन को स्वागत भारतीय तटरक्षी बाहिनी त्वरित पदक्षेप और अक्लांत परिश्रम बंचीगला 11 जीवन बुड़ी जाउथिबा आईटीटी पुमा नामक एक जहाजर 11 जन क्रू मेंबर को तटरक्षी बाहिनी उद्धार करिछंती हेले एबे भी 3 क्रू मेंबर निखोज अछंती देवदूत साजिले भारतीय तटरक्षी बाहिनी अथल अशांत समुद्रर गभीर जलराशि उद्धार कले 11 जीवन आईटीटी पुमा नामक यह जहाज कोलकातारु 32 कंटेनर और ब्लॉक करेगा नहीं पोर्ट ब्लेयर अभिमुखे यात्रा करुथला इस समय रे सागर द्वीप निकट रे दक्षिण को 90 नॉटिकल माइल दूर रे हठात जंत्रांश अचल होइजिबारु जहाजटी बुड़ीबा आरंभ करथिला इहा देखि एथिरे थिबा क्रू मेंबर माने भारतीय तटरक्षी बाहिनी को जोगाजोग करथिले भारतीय तटरक्षी बाहिनी जवान आईसीजी अमोघ आईसीसी सारंग सह एक एयरक्राफ्ट माध्यम रे अथल समुद्र भितर दीर्घ समय परिश्रम कर 11 जन क्रू मेंबर को उद्धार करिवारे सक्षम होइथिले कोस्ट गार्ड के लिए हम बहुत थैंकफुल हैं कि ये हमारा मतलब के हम लोग एक तरीके से बिल्कुल मौत के मुंह में थे जो उन लोगों ने हम लोगों को रेस्क्यू किया और एक तरीके से पुनर्जन्म है हम लोगों का डेंजर तो बहुत था क्योंकि वेव्स बहुत ज्यादा थी बहुत ज्यादा कम से 3-4 मीटर की वेव थी बार बार हम लोग नीचे जा रहा था ऊपर आ रहा था तो हमारी एयरक्राफ्ट जो सर्वाइवल क्राफ्ट था उसमें भी पानी काफी आ चुका था बट वो थैंक्स गॉड और उनका कोस्ट गार्ड का के वो सही टाइम पर पहुंच गए और हम लोगों को रेस्क्यू कर लिया जहाज रे 14 जन भारतीय रही थे एमानक मध्यरु 11 जन क्रू मेंबर को उद्धार करथिले मध्य 3 जन निखोज थिबा तटरक्षी बाहिनी पक्षरु सूचना दिया जाय छी सुरक्षित तो उद्धार होइतबा 11 जन क्रू मेंबर को तटरक्षी बाहिनी पक्षरु पारादीप बना जायछि जहाज बुड़ीबा को आरंभ करथुबा बळे याको विपद रु रक्षा करबा पई क्रू मेंबर माने बहु उद्यम करी विफल होइतले गोटिए पटे जीवन आ गोटिए पटे मृत्यु आ मझिरे असहाय पलटितबा ई क्रू मेंबर माने नुआ जीवन पाइबा परे सही कालरात्रि भयानक दृश्य को गणमाध्यम आगरे बखाणी छंती स्विम कर रहा था आई वॉज ट्राइंग टू कैच द ग्रैब लाइन ऑफ लाइफ राफ्ट पकड़ने के लिए कोशिश कर रहा था उसी टाइम जहाज डूब गया तो हम लोग जितना सर्वाइवर है तो करीब करीब उसी टाइम पे लाइफ राफ्ट में चढ़ने के लिए कोशिश किया और हम लोगों को नसीब अच्छा है कि डिस्ट्रेस मैसेज जो अथॉरिटी को पहुँचना था सही टाइम में पहुँचा और कोस्ट गार्ड का शिप हम लोगों को रेस्क्यू करने के लिए आया थैंक्स टू कोस्ट गार्ड वो टाइमली आ गया तो हम लोग आज
जो जितना भी क्रू बचा है बच गया। पारादीप निकटस्थ 90 नॉटिकल माइल दूर रे जहाज बुड़ीबा घटना रे 11 जन को सुरक्षित उद्धार करा जायथवा बेले एबे भी 3 जन करो पता मिलु नाही। तण उद्धार हेथिबा 11 जन क्यू मेंबर कोस्ट गार्ड को धन्यवाद जणाइछंती। तबे कोस्ट गार्ड पक्षरु अन्य 3 जन को खोजाखोजी जारी रहथवा बेले ए पर्यंत ताकर पता मिल नथिबा कोस्ट गार्ड पक्षरु सूचना दिया जायछि। पारादीप रु सरोज साहू, न्यूज 18 ओडिया। कनाल रे चिंता बढ़ाइलाणी सर्पाघात जनित मृत्यु संख्या 5 वर्ष रे गलाणी 175 जीवन। जिल्ला रो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं गोष्ठी स्वास्थ्य केंद्र गुड़ी करे रहुनी स्नेक एंटी वेनम इंजेक्शन। स्वास्थ्य विभाग रो चरम अवहेला को दायी करिछंती बुद्धिजीवी। सबडे लोकों भितर सचेतनता वृद्धि सह इंजेक्शन मौजूद रखा परामर्श देछंती जिला स्वास्थ्य अधिकारी। ढेंकानाळरे बढ़ुची सर्पाघात मृत्यु संख्या 5 वर्षरे गलाणी 175 जीवन। स्वास्थ्य केन्द्र रे नाही स्नेक आंटी भेनम इंजेक्शन। स्वास्थ्य विभाग रो अवहेला को दायी कले बुद्धिजीवी। ढेंकानाळरे साप कामुडारे मृत्यु संख्या को नहीं उद्वेगजनक स्थिति देखा देछि। कारण जिले में साप कामुड़े गत 5 वर्ष गलाणी 175 जनक जीवन। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गुड़िक स्नेक आंटीभेनम इंजेक्शन रो न जिला मुख्य चिकित्सालय पर्यंत आसवा बाटर अनेक साप कामुड़े मृत्यु मुखरे पड़ुंट। कारण अनेक लोक साप कामुड़ा पर साधारणतः स्थानीय सीएससी और पीएससी को प्रथम नहीं था हेले सेठे चिकित्सा नपाई निराश हो झड़ाफुंका उपरे निर्भर करुछंती। विषाक्त सापों हॉटस्पॉट ढेंकानाल जिला बोली मत देछंती वन्यजंतु और सर्प उद्धारकारी दल सदस्य। कारण जिले में 8 प्रकार विषाक्त साप रही बर्षा दिन में अधिक सतर्कता अवलंबन करने को लोकों निवेदन करिछंती सर्प उद्धारकारी दल। लोक आम सचेतन करें देखो मनीष और साप भर थी शत्रुता धीरे धीरे बढ़ी जाऊँच जो कि गोटे सापर जीवन चली जाऊँच कि मनीषर जीवन चली जाऊँ तो कमी गोटे साप वंश बची पार और मनीष समाज के बची पार से आम मैंने गोटे प्रयास चलो जहाँ कि लोक सचेतनता करूँ कि साप कामुड़ा तार गोटे गोल्डेन टाइम 2 घंटा समय रोचे जहाद्वारा कि मनीष जदि से समय जा हस्पिटा पहुँची पार मनीषर कौन असुविधा नहीं सचेतनतार अभाव एवं स्वास्थ्य विभाग बहुत अवहेला रही आमर देखते विशेषकर ग्रामांचल अधिकांश ये जंगल अधिका आउ विभिन्न जगार ग्रामांचल जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र अच्छी से गुड़िक जो पिक टाइम जो साप कामुड़े सन्देह हो राति हो जो टाइम साप कामुड़े गाँव में गाँ गंडार शोला बेल लोक साप कामुड़ दिए सन्ध्या बेले साप कामुड़ दिए से ही टाइम पिक टाइम से नाला कई कर्मचारी नए ताला पड़ थोड़ा दरकार पड़े पर भी इंजेक्शन भी नथिवार नजर आसी। 2018-19 रे 32 जन 2019-20 रे 31 जन 2020-21 रे सर्वाधिक 48 जन प्राण हरैथिबा बेले 2021-22 रे 32 जन 2022-23 रे 32 जनकर जीवन विषाक्त साप चोटरे जाइछि। विशेष करी गोंदिया तहसील अंचल सर्प आघात रे मृत्यु रो हॉटस्पॉट पलटिछि। कारण 5 वर्ष रे एठारे सर्पाघात रे 41 जनकर जीवन जाइछि। ता पछकु जिलार ढेंकानाल परजंग हिंदोल और कंकड़ाहार भाई अंचल अधिक लोक साप कामुड़ार शिकार होती। ग्रामांचल अधिक लोक साप कामुड़ार शिकार होता बेले कहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र में साप कामुड़ा इंजेक्शन नहीं बोली प्रश्न उठाई बुद्धिजीवी। एपटे जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी कहते स्नेक आंटीभेनम इंजेक्शन प्रचुर मात्रा रे सीएससी और पीएससी मानक रही किंतु पीएससी गुड़िक राति समय रे खुला रहु नथिबारु लोके इंजेक्शन न पाई फेरी जाउछंती। ट्रीटमेंट पार्ट आम देखुचु आमर पीएससी लेवल पर्यंत आंटी स्नेक भेनम आवेलेबल अच्छी। पीएससी रे 20 सीएससी रे 30 सब डिविजन रे 50 भाइल आमर एटी मेन स्टोर रे सफिशिएंटली आवेलेबल अच्छी। एटू पहुँच पहुँच डेरी हो गाड़ी 108 को डाकू कि जहाँ हो डेरी से समस्त को इंस्ट्रक्शन दिया है फास्ट डोजटा देकर छाड़े। जिले में साप कामुड़ा जनित मृत्यु हार कमाइबा को हेले जिला प्रशासन और स्थानीय विभाग को आहुरी एक्टिव होगा पड़ो। ढेंकानाल आशीष रंजन शतपथी, न्यूज 18 ओडिया। राशन पाइबे नाही भूत हिताधिकारी तेणु ई केवाईसी संजोग व्यवस्था करुछंती सरकार हेले सेथि पाई थिबा मासे समय सीमा कुने विधानसभा रे उद्वेग।
तबे सरकार कहिसेंति ई केवाईसी संजोग बाध्यतामूलक होइथिले भी कोनोसी निर्दिष्ट समय सीमा नाही सेपरि राशन रे गहम देबाकु सरकार विचार करूथिबा कहा जायछि। राशन कार्डरु भूत हिताधिकारी बाद दिजिव सबु हिताधिकारी हेब इ केवाईसी संजोग इ केवाईसी समय सीमा को नहीं गृह उद्वेग इ केवाईसी डेडलाइन नहीं कहले मंत्री। राशन कार्ड में स्वच्छता आसीबो भूत हिताधिकारी बाद देवा प्रक्रिया आरंभ कर सरकार सबु हिताधिकारी राशन कार्ड सह इ केवाईसी संजोग बाध्यतामूलक निज डिलर पाखे इ केवाईसी अपडेट करें हिताधिकारी तेरे मासक मध्य प्रक्रिया सारे सरकार निष्पत्ति को नहीं उद्वेग प्रकाश करेस विधानसभा प्रश्नकाल प्रसंग उठाई कांग्रेस विधायक अशोक दास कहते मासक मध्य सबु हिताधिकारी इ केवाईसी संजोग करवा संभव नुहे बाहर राज्य में अनेक हिताधिकारी रोथे समय सीमा पर्याप्त नुहे ए संक्रांत सरकार पुनर्विचार करने को दावी करते विधायक तेज खाली जोगाड़ मंत्री अनुपस्थित एने उत्तर रखे मंत्री सूर्यवंशी सूरज कहते राशन कार्ड में स्वच्छता ई केवाईसी निष्पत्ति नहीं सरकार यहाँ हिताधिकारी सठिक तथ्य सामना को आसव इ केवाईसी संजोग बाध्यतामूलक होते भी कौन निर्दिष्ट समय सीमा ना स्पष्ट कर मंत्री एकमास भितर कौन हिताधिकारी इ केवाईसी संजोग नक पारे भी कार्डर नाम कटवन मंत्री प्रतिश्रुति लोक मैंने इ केवाईसी नक राशन कार्ड प्रोविजन कटिजी यहाँ गोटे संवेदनशील घटना है तेणु एटी से व्यवस्था ना मान्यवर मंत्री महोदय एथप्रति कौन विचार करेंगे से दादन श्रमिक भाई मैंने जो मैंने लक्ष लक्ष लोक अच्छा से किपर भाव आठ इक्वेसरे संजोग करेंगे और अनुदान वंचित रही पार से टे जत्नवान हे जी बाहर अच्छी किए आंडामान अच्छी किए गुजरात अच्छी किए जम्मू काश्मीर अच्छी यदि से समय सीमा भितर आसिक निर्वाचन नदीपारा तार राशन कार्ड ना कटिज खाद्य सुरक्षा खाद्य निरापत्ता आईन रु आईन तो अधिकार जन वंचित कमी कर समय सीमा भितर तेणु मानव सदस्य जो कथा एठार रखी गृह को सदै अवगत करूँ कथार व्यवस्था ना खाद्य जोगाण विभाग प्रश्न उत्तर कार्यक्रम थी हिताधिकारी गहम और चाउल जोगाण नहीं सरकार निष्पत्ति जानवाक चाहते बीजेडी विधायक प्रताप देव सेपटे नुआ हिताधिकारी केवे सामिल करा प्रश्न करते कांग्रेस विधायिका सोफिया फिरदोस आउ उभय सदस्य प्रश्न उत्तर में मंत्री कहते गहम जोगाण सरकार विचार करुवा बेले इ केवाईसी पर नुआ हिताधिकारी सामिल प्रक्रिया आरंभ हो 22 मसीहा पर्यंत एनएफएस रे चाउल गहम मिसेक दिता 2 किलो गहम और 3 किलो चाउल दिहार प्रावधान यह सत्य कि एफसीआई जो सरप्लस चाउल ओडिशा नवा कथा न नवा फल गहम देवा फल इंटर एक्सचेंज कर संपूर्ण भाव में चाउल करागला जोटा कि आमर ये उठाणटा अधिका हम एवं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रे चाउल अधिका परिमाण दि जाई पार एवं जो क्रयटा एफसीआई करम ठार से नकारी बाबा एडजस्ट कर तथ्य सत्य कि माननीय मंत्री कहते कि गोटे मसे भितर राशन कार्ड गुड़ाक दिज्व कि पाखापाखि 10 लक्ष राशन कार्ड पेंडिंग अच्छे तो केबे सुधा इ केवाईसी करा हबो और केबे सुधा राशन कार्ड दिया जिवो कारण मासे हे सरलाडे पूर्वरु आमे केन्द्र को अनुरोध करितुलु गहम बदल रे चावल दिया जाओ जदि ये कथार वास्तव रे आमर सामाजिक स्थिति स्वास्थ्यगत स्थिति एवं साधारण लोकंकर आग्रह को विचार रे रखे सरकार ए संपर्क रे नीतिगत निष्पत्ति नेबाक जाउछन ए कार्यक्रम इ केवाईसी वेरिफिकेशन सरिला परे नूतन कार्ड संपर्क रे सरकार चिंता करबा। राज्य में प्राय 3 कोटी 26 लक्ष खाद्य सुरक्षा हिताधिकारी रही बेले प्राय 6 लक्ष नुआ आवेदन करछन्ति भूत हिताधिकारी बाद दिया जाई नुआ हिताधिकारी सामिल नहीं प्रक्रिया आरंभ करछन्ति सरकार। भुवनेश्वर कैमरामैन मानस पटनायक महेश प्रसाद नंद और अजेश मल्लिक न्यूज 18 ओडिया। गारु बाहरुछन्ति क्रीडाबित नवरंगपुर जिला उमरकोट बिजु पटनायक स्टेडियम रे मागणा रे मिलुछि तालीम आउ चर्चा रे रहिछन्ति 2 क्रीडा शिक्षक मेडल पाई जिला पाई सुनाम आणुछन्ति छात्र छात्री किंतु दुर्भाग्यर कथा अंतेवासी को पाई खाद्यर व्यवस्था नाही। गांरु बाहरु छन्ति क्रीडाबित मेडल पाई जिला पाई आणुछन्ति सुनाम मागणा रे मिलुछि शारीरिक विकास तालीम
ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉମରକୋଟରେ ଥିବା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭିଡ଼ ଲାଗେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର। ପ୍ରାୟ 100 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଶାରୀରିକ ବିକାଶର ତାଲିମ ନେବାକୁ ଆସନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଆଦିବାସୀ ଓ ଚାଷୀ ମୂଲିଆ ଘରର ପିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ରହିଛି ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶ ପାଇଁ ଖେଳିବେ ଓ ମେଡାଲ ଜିତିବେ। ସେମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେହି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଡେଣା ଲଗାଇବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଶିକ୍ଷକ ଏମ୍ ବିଜୟ କୁମାର ଏବଂ ସପନ ବୈରାଗୀ। କିଛି ପିଲା ଘର ଭଡ଼ା ନେଇ ରହୁଥିବା ବେଳେ କିଛି ପିଲା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଷ୍ଟାଡିୟମ ପରିସରରେ ଥିବା ରୁମ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ରହୁଛନ୍ତି। ରହିବା ସୁବିଧା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ବହୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ତେବାସୀ। ଗତ 3 ବର୍ଷ ଆଗରେ ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ଜାଣିପାରିଲି ଯେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ 2 ଜଣ ସାର୍, ସପନ ସାର୍ ଆଉ ଚିନା ସାର୍ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି 3 ବର୍ଷ ଆଗରେ ଆସିକି ଏଇ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ରହୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଏବେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମି ୟୁନିଭର୍ରେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଛି ସାର୍। ଏଇଠି ରହିବା ସବୁ ଫ୍ରି ରହିଛି ସାର୍, କିନ୍ତୁ ଆମର ଖାଇବା ଏଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି, ହେଲା ଆମେ ସବୁ ନିଜେ 3-4 ଜଣ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମେ ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଉଛି ସାର୍। ସେଇଟା ଖାଲି ଖାଇବା ଯଦି ସୁବିଧା କିଛି ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ କିଛି ସେଇଟା ଆମକୁ କିଛି ଇନକ୍ରିଜ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ପାଇଁ କାମରେ ଲାଗିଥାନ୍ତା ସାର୍। ଏଠି କୋଚ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସେମାନଙ୍କୁ, ଆମ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସେମାନେ ଆଉ ତାଙ୍କେ ଫ୍ରିରେ କୋଚ୍ ଦିଅନ୍ତି, ଆମେ ସବୁଦିନ ସକାଳେ ଦେଖୁଛୁ। ଆଉ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବଲ୍ ହେଉ କି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେବଲ୍ ହେଉ ଆମ ଇଣ୍ଟର ଷ୍ଟାଡିୟମରୁ ବହୁତ ପିଲା ଯାଉଛନ୍ତି। 2019 ପୌର ପରିଷଦ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ତାଲିମ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର 8 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ତାଲିମ ଆଜି 100 ଜଣରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। 2022 ପରଠାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ 15-16 ମେଡାଲ ଜିତୁଛନ୍ତି କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍। 4 ଜଣ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ, ଜଣେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବା ବେଳେ 6 ଜଣ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇସାରିଛନ୍ତି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, 2 ଶିକ୍ଷକ ପିଲାଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେବା ପାଇଁ କୌଣସି ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ବେଳେବେଳେ କିଛି କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ଙ୍କୁ ହାତରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ପଠାଇଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ଥିବା କହିଛନ୍ତି 2 ଜଣ କୋଚ୍। ଯେତେବେଳେ ଆମେ 2019 ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ କଲୁ, ଆମ ପାଖରେ 6-7 ପିଲା ଆସିକି ରହିଲେ। ଏଇ ଭିତରେ ରହିଲା ପରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ କୋଚିଂ ଗଲେ, ତାଙ୍କୁ 2 ବର୍ଷ ପରେ ସେମାନେ ରିଜଲ୍ଟ ଦେବାଟା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେତେବେଳକୁ 2 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଲା, ଆମ ପାଖରେ 40-50 ପିଲା ଆମ ପାଖରେ ଆସି ରହିସାରିଲେଣି। 5-7 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ଏଠାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଉଛୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଯେଉଁ ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପାୱାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଟେକ୍ନିକ୍ ଦରକାର ଅଛି। ସେ ଟେକ୍ନିକ୍ ଯାହା ଆମେ କୋଚିଂ ଲାଇନ୍ରେ ଶିଖିଛୁ ତାକୁ ଆମେ ଆମ ପିଲା ଭିତରେ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଚାହିଁଲୁ, ଏବଂ ତାର ସଦୃଶ ଆମେ ଭଲ ତାର ଗୋଲ୍ ମଧ୍ୟ ଏଚିଭ୍ କଲୁ। ଉମରକୋଟ ସ୍ଥିତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସେ ଗରିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୋଚିଂ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ। ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବାହାରେ ଆସି ରହୁଛନ୍ତି, ନିହାତି ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ସରକାର ତରଫରୁ ଯଦି କିଛି ସୁବିଧା ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଅନେକ ପ୍ରତିଭା ଏ ଅଞ୍ଚଳର ନାମ ଅର୍ଜନ କରିବା ସହ ଦେଶର ମଧ୍ୟ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତେ। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ମହେଶ୍ୱର ବେହେରା, News18 ଓଡ଼ିଆ। ସାମୟିକ ବ୍ରେକ୍, ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। କମିଙ୍ଗ ଅପ୍ର ପ୍ରାୟୋଜକ ଉତ୍କଳ ହସ୍ପିଟାଲ, ଫର ଏମର୍ଜେନ୍ସି କଲ୍ 9090111144। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ, ଆସନ୍ତାକାଲି ନେବ ଲଘୁଚାପର ରୂପ। ପ୍ରଭାବରେ କାଲିଠୁ 31 ଯାଏ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା, 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ 11 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ଦକ୍ଷିଣ ଓ ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଆଲର୍ଟ। କମିଙ୍ଗ ଅପ୍ର ପ୍ରାୟୋଜକ ଉତ୍କଳ ହସ୍ପିଟାଲ, ଫର ଏମର୍ଜେନ୍ସି କଲ୍ 9090111144। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିହୀନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କଲରାପତରିଆ ବାଘ ଚମଡ଼ା ସହ ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ, ଘଟଣାରେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସମ୍ବଲପୁର ନାକିଦେଉଳ ବ୍ଲକ ଗିରିଶଚନ୍ଦ୍ରପୁର ବନାଞ୍ଚଳ ପକ୍ଷରୁ ହୀରାଲୋଇ ଗାଁରେ ସୋମବାର ରାତିରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ କଲରାପତରିଆ ବାଘର ଚମଡ଼ା, 4 ଟାଙ୍ଗିଆ ମାଂସ, ରୋଷେଇ ସାମଗ୍ରୀ, କଲରାପତରିଆ ବାଘ ମୁଣ୍ଡ, ସମ୍ବର ସିଂହ ସହ ଗୋଟିଏ ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ ହୋଇଛି। ହୀରାଲୋଇ ଗାଁ ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ କଲରାପତରିଆ ବାଘକୁ ଶିକାର କରି ଗାଁ ଲୋକେ କିଛି ଶିକାରୀଙ୍କ ଘରେ ମୃତ ବାଘର ଚମଡ଼ା ରଖିଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇ ଗିରିଶଚନ୍ଦ୍ରପୁର ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ ଏବଂ ଫରେଷ୍ଟର ପ୍ରବୀଣ କୁମାର ସାହୁ ସୋମବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ହୀରାଲୋଇ ଗାଁର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଶିକାରୀମାନଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଗତକାଲିର ବର୍ଷାରେ ଏସ୍ସିବିର ହାଲ୍ ବେହାଲ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ମେଡିକାଲ ପରିସରରେ ଥିବା ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ଗୃହରେ ଜମିଯାଇଥିଲା ପାଣି, ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣିରେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ହୋଇଥିଲା। ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାୟ ପ୍ରତି ବର୍ଷାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।
ବର୍ଷା ପାଣି ଜମିବାରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ସବୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ଅଧାରୁ ବନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଏସ୍ସିବି ରେଡାକ୍ଟରଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ରୁମ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୱାର୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପାଣି ଜମା ହୋଇ ରହୁଛି, ଯାହାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରାନଯିବା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ବରଗଡ଼ ଅମ୍ବାପାଲି ଅଞ୍ଚଳର ସଞ୍ଜୀବ ସାହୁଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ସୋଫାରୁ ବାହାରିଲା ସାପ, ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଟିମ୍କୁ ଖବର ଦେବା ପରେ ସୋଫାରୁ ସାପକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ସାପ ଏକ ନାଗସାପ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସଞ୍ଜୀବ ନିଜ ଘର ସୋଫା ଉପରେ ଗଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ସୋଫା ଭିତରୁ କିଛି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଥିଲେ। ସାପ ପଶିଯାଇଥିବା ଭାବି ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଟିମ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସାପଟିକୁ ଫଟାଫଟ ବିସ୍ତୃତ ଓ ସଠିକ୍ ଖବର ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ। QR କୋଡ୍ ସ୍କାନ୍ କରି ତାଜା ଖବର ସହ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ। ବାରିପଦା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତିକରଣ ସହ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ମଠ ମନ୍ଦିରର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଓ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମରେ ଥିବା ହଜାର ହଜାର ଏକର ଜମିକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ଦାବି, ଏହା ସହିତ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଣ୍ଠି, ସେବାୟତମାନଙ୍କ ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପରି ଅନେକ ଦାବି ନେଇ ବାରିପଦା ମଠ ମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରତିବାଦ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବାରିପଦା ମଠ ମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ସଂଘର 20ରୁ ଅଧିକ ସେବାୟତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ପୂଜା ପଣ୍ଡାମାନେ ବାରିପଦା ଉପକଣ୍ଠ ବୁଢ଼ି ଖମାରିଠୁ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଛନ୍ତି। 18 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ସେବାୟତ ସଂଘ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ସେବାୟତଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେବାୟତ ସଂଘ ନିଜ ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ରହି ପଦଯାତ୍ରା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ସମସ୍ୟା ନେଇକି ବାରିପଦା ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗ ତରଫରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ତା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅବଗତ କରିଆସିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଆମର କାଣିଚାଏ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇନି। ତ ବରଞ୍ଚ ବିଗତ ସରକାର ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଦେଇଥିଲେ ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ, ସେ ଉନ୍ନତିକରଣ ହୋଇକି ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଗଲାଣି, ତାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ ବି ମଧ୍ୟ କରାଯାଉନି। ମାନେ ମନ୍ଦିର ବର୍ତ୍ତମାନ ବାରିପଦା ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗ ଅଧୀନ ମଠ ମନ୍ଦିରମାନେ ସବୁ ରସାତଳକୁ ରସାକାମୀ ହୋଇଗଲାଣି। ସେଇ ପଦଯାତ୍ରାର ଆମର ମୁଖ୍ୟ ରହୁଛି ସେହି ଆପଣଙ୍କର ରୋଷଘର ହେଉ, ମନ୍ଦିରର ଅନ୍ୟ ସବୁ ସ୍ଥାନ ଅଛି, ତା'ର ଠିକ୍ ଭାବରେ ତା'ର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ସେ ପାଇଁ ଆମେ ଚାଲିଛେ କେଶିପୁର ପହଞ୍ଚି ପ୍ରଶାସନର ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ସେମାନେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଶିଳ୍ପ ତାଲିମ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅତିଥି ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆମରଣ ଅନଶନ ଚେତାବନୀ, ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ କଟକ ବକ୍ସି ବଜାର ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରିଲେ ଶତାଧିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ, ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି, ଦରମା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦାବି ନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଅତିଥି ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା, ବାର୍ଷିକ କିଛି ଦିନ ଦେୟଯୁକ୍ତ ଛୁଟି ସମେତ ମହିଳା ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମାତୃତ୍ୱ ଛୁଟି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏହି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ କଲମ ଛାଡ଼ି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନଶନରେ ବସି ରହିବା ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ସଂଘ। ଆଜି ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫିସକୁ ଆସିବାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଦାବି ଜଣାଇ ଆସିଛୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବତନ ସଚିବ ପୂର୍ବତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ଆମେ ଆସିଲୁ ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛୁ ଯେ ଆମକୁ ଯଦି କିଛି ନ କରାଯାଏ, ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ନ ଦିଆଯାଏ, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ କାମ କରିଆସୁଛୁ ଆଉ ଆମକୁ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ନ ମିଳେ, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଆମରଣ ଅନଶନ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉ ବୋଲିକି ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛୁ। ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ ମାଧ୍ୟମରେ ନୂଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟିଂ କରି ଆମକୁ ବିଗତ ଦିନରେ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ଚଳେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମର ଯଦି ଏଇ ଦାବିପତ୍ର ନ ମାନାଯାଏ 7 ଡେଜ୍ ଭିତରେ ଆମେ ଏଠି ଆମରଣ ଅନଶନ କରିବୁ ବୋଲି ସ୍ଥିର କରିଛୁ, ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଡାଇରେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କୁ ଜଣାଇଛୁ। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ଉତ୍କଳ ହସ୍ପିଟାଲର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଡାକ୍ତର ଆଦିତ୍ୟ କୁମାର ସାମର ଆମେରିକାରୁ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିବା ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍କଳ ହସ୍ପିଟାଲ ଡାଇରେକ୍ଟର ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା, ଡାକ୍ତର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଉପାଧ୍ୟାୟ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ତଥା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଉପଲବ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମକୁ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଡକ୍ଟର ସାମଲ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲର ନିରନ୍ତର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଓ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ଏହାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି।
आलोचन ग्रामांचल चिकित्सा सुविधा वृद्धि वंचित संप्रदाय स्वास्थ्य सेवा को अधिक सुगम करने राज्य सरकार संभाव्य सहभागिता भी आलोचना कर विकास एवं पूर्व भारत पर्यटन शिल्प कैबिनेट रे निष्पत्ति होता बेले केन्द्र अर्थमंत्री कहते ओडिशा उपरे यार प्रमुख फोकस केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान श्रीक्षेत्र 70% रोजगार सूत्र होउछि पर्यटन अथच गत 50 वर्ष भितर यार विशेष किसी उन्नति होनी तेणु श्रीक्षेत्र में पर्यटन परिसर वृद्धि पर होटेलियर्स और टूर ऑपरेटर माने स्वर उठाई सेपटे भित्तिमिर विकास एवं आगो को अनेक प्रकल्प पूर्णांग हेले वर्तमान वार्षिक 75 लाख टूरिस्ट आसुचंती ता कोटीरे पहुंचिबो बोली कहिसंती पुरी जिलापाल। पुरी महाप्रभु श्री जगन्नाथंक क्षेत्र मर्त्य वैकुंठ श्रीमंदिर यहसह प्रकृति भेटी सर्वोत्कृष्ट बेलाभूमि महाप्रभु श्री जगन्नाथ और समुद्र बेलाभूमि ही पुरीवासी अर्थनीति को परिचालना करुछन्ति। श्रीक्षेत्र 70% रोजगार सूत्र होउछि पर्यटन अथच गत 50 वर्ष मध्य पर्यटन क्षेत्र में आउ कौनसी आकर्षण क्षेत्र जोड़ी होना प्रति वर्ष पुरी को 70-75 लाख भक्तों आगमन कोविड परे यहा जथेष्ट वृद्धि पाई तबे केंद्र सरकार एथर बजेट रे पूर्वोदय विकास परिकल्पना सह पूर्व भारत में पर्यटन शिल्पर विकास उपरे गुरुत्व आउ पूर्वोदय विकास प्रमुख हेउछि ओडिशार पर्यटन शिल्प तेणु ओडिशार बजेट रे 800 कोटी पर्यटन पाई रही तेणु पुरी रे आगो को हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ाइबा पाई प्राथमिकता दिया जिबो आउ एथिरे राज्यर युवक युवती मानंको पाई निजुक्ति सुजोग सृष्टि हेबो बोली कहिसंती केंद्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। प्रधानमंत्री कल्पना पूर्व भारत विकास नहले देशर सामग्रिक विकास कल्पना करिबा ही असंभव से बजेट रे प्रथम थर कर पूर्वोदय कल्पना को अधिकृत भाव उल्लेख कर और पूर्वोदय गोटे प्रमुख अंचल ओडिशा संपर्क में विशेष करके ओडिशा रा पर्यटन संपर्क में चित्र उल्लेख करा जाय छी। वर्ष तमाम पुरी को पर्यटक आसुथिबा बेले केही भी 2 दिन रु अधिक होटल ले बुकिंग करू नहंती ऐतिह्य शहर भावे गढ़ी तोलिबा पाई परिक्रमा प्रकल्प ठारु नै मार्केट बहुतल पार्किंग श्री सेतु भली भित्तिभूमि रा विकास होई छी सत मात्र पर्यटक टीए बुलाबुली करिबा परे अवसर विनोदन पाई सिनेमा हॉल टीए नाही ओडिशार सिंहभाग पर्यटक पुरी आसुछंती किंतु महाप्रभु श्री जगन्नाथंक दर्शन और बेलाभूमि बुलिबा परे आउ कोनोसी देखिबार सुजोग नाही। फिल्म टीए देखिबा पाई हेले सेमानंकु पुनर्बार एठारु भुवनेश्वर जिबाकु पडुछि सेहिपरि जलक्रीडा भित्तिभूमि सीमित रही जायछि पारासेलिंग बनाना बोट राइड और एटीबी भली जलक्रीडार सुजोग सृष्टि होता किंतु यह बजाय रखा जाई पारिला नहीं बोली असंतोष व्यक्त करिछंती फॉरेन टूर ऑपरेटर। तबे पर्यटक परिसर वृद्धि करने राज्य सरकार अनेक योजना करुवा कहते जिलापाल पुरी में दीटा बीच छाड़देले नीलाद्री ब्लू फ्लाग बीच छाड़देले आउ एत सुंदर बीच पड़ी कि बीच को सौंदर्यकरण कर प्रोजेक्ट स्तर कथा रही जाए कि आगो को नवा देखिए आप गोटे मार्क करेंगे से स्वर्गद्वार ठू से दिग्गवाणी कुंटी से रास्त एते जाम हो प्रत्येक पर्यटक किसी पर्यटक ट्रेन फेल होती जगन्नाथ संस्कृति को केन्द्र करमर समुद्र कूल को केन्द्रित पुरी सहर एवं आम आखपाखे भी कोणार्क आम गोल्डन ट्रायंगल भी पार्ट अच्छी बट जमी आम विभिन्न डिफरेंट टाइम्स फीडबैक् मिलूँ आम इनफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट कहतु आमर तो भल आकोमोडेसन भल होटेल से सब आस पार्ट अफ इनफ्रास्ट्रक्चर और सरकार मेजर वे आउ कौन हो पार दृष्टि देखते।